दोस्तों मैं हरेंद्र बढ़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नोफन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं जो काफ़ी टाइम से चर्चा का विषय बना हुआ, क्या स्पेसिफिकेशन हो पाएगा, क्या प्राइस इसकी हो पाएगी, Xiaomi के Redmi K20 और K20 Pro के बारे में। तो देखते हैं इसके क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या हाइलाइट्स हैं, क्या इस फ़ोन के अंदर हमें मिलने वाला है, क्या प्राइस इस फ़ोन की होगी, तो इन सभी के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो इस फ़ोन के अंदर जो है हमें देखने को मिलेगी 6.3 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। और यदि बात करें तो प्रोटेक्शन की, तो इसके अंदर कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन हमें इसके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगी। साइड में इस फ़ोन की कुछ फोटोएं चल रही हैं, वो आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूं कि इस फ़ोन का जो है अभी इसके अंदर प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर होने वाला है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन मेरे को जो डाउट है कि इसके अंदर स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को नहीं लगता अवेलेबल हो पाएगा। हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अभी बाकी तो जो है फ़ोन लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। चाइना के अंदर ये फ़ोन जो है प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है। अभी बात करें इसके अंदर जो है हमें पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। कोई नोच इस फ़ोन के अंदर नहीं होगी, पॉपअप सेल्फी कैमरा मैकेनिज्म इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा। बात करें इसके रियर कैमरा सेटअप की, तो इसके अंदर हमें जो है ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को इस फ़ोन के अंदर मिल जाता है। इसके अंदर 48 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा सेंसर है, उसके बाद में 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल जो है, 8 मेगापिक्सल का जो है वो डेप्थ सेंसर इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। और इसकी बात करें यदि फ्रंट कैमरा की, तो इसके अंदर फ्रंट के अंदर हमें मिलता है मोटराइज पॉपअप सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का, इसके अंदर सेल्फी कैमरा हमें देखने को मिल जाता है। यदि बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर बैटरी की, तो बैटरी कितने mAh की होगी ऐसा तो कुछ पता नहीं है। जो है एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 3700 mAh की जो है इसके अंदर बैटरी हमें देखने को मिल सकती है फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ। इसके अलावा इसका जो 3.5 mm ऑडियो जैक इसके अंदर होगा, मेमोरी कार्ड स्लॉट होगा आपके अपनी मेमोरी एक्सटेंड करने के लिए। और यदि बात करें इस फ़ोन के बारे में, तो इसके अंदर जो है हमें कंपनी का दावा है कि जो ऑडियो है वो बाकी फ़ोन से जो है ज़्यादा लाउड इसके अंदर ऑडियो हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे गेमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। हम अच्छी जो है गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस फ़ोन के अंदर मिल पाएगी। इस फ़ोन के अंदर गेमिंग टर्बो 2.0 हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और ये थे इस फ़ोन की स्पेसिफिकेशन। फ़ोन की जो फोटोएं हैं वो अपने साइड में देख ली हैं। इसकी फ़ोन की प्राइस की बात कर लेते हैं। इस फ़ोन के जो हैं बेसिकली तीन वेरिएंट होने वाले हैं। इसके जो पहला वेरिएंट है, बेस वेरिएंट है, वो होगा 6GB रैम 64GB मेमोरी के साथ, जिसके अंदर जिसकी प्राइस की यदि बात करें तो हमें 26,100 रुपये के आसपास का जो है ये देखने को मिल सकता है चाइना में। यदि बात करें इसके 6GB 128GB वेरिएंट की, तो उसकी प्राइस जो होगी वो 28,100 रुपये के आसपास होगी। यदि बात करें इसके टॉप वेरिएंट की, जो हमें मिलेगा 8GB रैम के साथ और 128GB मेमोरी के साथ, तो वो उसकी प्राइस जो है वो रहेगी 32,200 रुपये के आसपास। तो इस प्राइस रेंज के अंदर मेरे को तो लगता नहीं कि हमें स्नैपड्रैगन 855 का फ्लैगशिप प्रोसेसर इसके अंदर देखने को मिल सकता है। जहाँ तक मेरा डाउट है, इसके अंदर हमें जो है मिलने वाला है प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 730। बाकी देखते हैं, ये जैसे ही फ़ोन लॉन्च हो जाता है उसके बाद में हमें पता चलेगा। 28 मई को जो है इसकी कुछ और अपडेट हमारे सामने आ सकती हैं। हो सकता है ये फ़ोन लॉन्च हो जाए, प्री बुकिंग के लिए स्टार्ट हो चुका है। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन आए उसे भी दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत मिलती रहेगी। तो ये था इस फ़ोन के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद हुआ होगा। तो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।